बोकारो में मृत कर्मचारी आश्रित संघ के बैनर तले आश्रितों ने थाली और ताली बजाकर अपनी मांगों को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। कहा, मांगे पूरी नहीं हुई तो और भी उग्र आंदोलन करेगा हमारा संघ। बोकारो इस्पात प्रशासनिक भवन के समक्ष बोकारो इस्पात मृत कर्मचारी आश्रित संघ के बैनर तले एक दिवसीय प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इस दरमियान आश्रितों ने थाली और ताली बजाकर अपना विरोध व्यक्त किया। प्रदर्शन के माध्यम से आश्रितों को एकमुश्त नियोजन देने के लिए बोकारो प्रबंधन से मांग की। आश्रित संघ के अध्यक्ष नीरज चौबे ने कहा कि अपनी मांगों के लिए अभी हम लोगों ने थाली और ताली बजाकर शांति प्रिय तरीके से प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि 19 जून को प्रबंधन के साथ बैठक है, प्रबंधन अगर हमारी शर्तों पर बात नहीं करती है तो आने वाले दिनों में नई रणनीति के साथ और भी उग्र आंदोलन के लिए बोकारो मृत कर्मचारी संघ बाध्य होगा। हम लोग बोकारो मृत कर्मचारी आश्रित के बच्चे हैं। हमारे पिता यहीं प्लांट में काम करते थे, प्लांट करने के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई। उसमें एक अग्रीमेंट है बोकारो इस्पात प्रबंधन के साथ मोर्चा का, यहाँ जो NJCS का मोर्चा है उनके साथ एक अग्रीमेंट है कि बोकारो इस्पात के जितने भी मृत कर्मचारी के बच्चे हैं उनको नौकरी देनी है, और नौकरी इन लोग दी भी है पूर्व में, लेकिन अभी 10 सालों से इन लोग कोई वैकेंसी नहीं निकाले हैं। प्लांट में मजदूरों की कमी है, हमारे यहाँ जहाँ 50,000 इम्प्लाई होते थे अभी 10,000-8,000 इम्प्लाई हैं, और ये लोग मृत कर्मचारी के हम लोग बच्चे हैं, हमारा हक है, इन लोग हमारे ने PF रखा है, हमारा DA बेसिक रखा है, अब आज हमको नौकरी देने से ये कर रहे हैं। कल हम लोगों ने पूर्व घोषित के कार्यक्रम के तहत ED का घेराव करने का भी हम लोग दिए थे, उसके तहत हम लोग ED का घेराव करने में काफ़ी संख्या में वहाँ ब्रिगेडिंग की गई थी और वहाँ पर काफ़ी संख्या में पुलिस भी लगाई गई थी, लेकिन चूंकि हम लोग इतनी संख्या में थे कि प्रबंधन और हमारे मोर्चा के बीच में, यूनियन के मोर्चा के बीच में एक सहमति बनी और उस सहमति को यहाँ दिया गया। 19 तारीख को ये हमारे साथ वार्ता करेंगे, अगर हमारे शर्तों पे अगर ये वार्ता नहीं होती है तो आने वाले दिन में हम लोग ऐसा आंदोलन करेंगे कि BSL का ईंट से ईंट बजा कर रखेंगे। हम लोग नियोजन के लिए बजा रहे हैं, हम लोग को बहुत साल से बरगला करके रखा है, नियोजन ही नहीं दे रहा है, हम लोग आश्रित के बच्चे हैं। क्या मांग आपको? हम लोग का मांग है कि हम लोग BA BSc छोड़े हैं तो आप हमको नियोजन दीजिए, और इस कोरोना के संकट में हम लोग को देखने वाला कोई भी नहीं है, बाहर तो ऐसे भी पैकेज दे देता है मजदूरों के लिए, हम लोग के लिए वो भी नहीं दे रहा है, हम लोग क्या खाएंगे लॉकडाउन में, यही मजबूरन के चलते हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। न्यूजीलैंड्स चैनल को YouTube में सब्सक्राइब करें और खबरें सबसे पहले देखने के लिए बेल बटन जरूर दबाएं। न्यूजीलैंड्स में खबर की सूचना देने के लिए संपर्क करें और वीडियो WhatsApp करें। हमारा संपर्क नंबर है